माधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की और जो है अध्ययन कर रहे हैं, और प्रभु का वचन बताता है हमें कि न सिर्फ बाहरी रीति से वरन आंतरिक रीति से भी हम परमेश्वर के प्रति सिद्ध बने। और यही वो कारण था जहां सदूकी और फरीसी फेल थे, और ये बात प्रभु यीशु मसीह जान रहे थे। इसीलिए उन्होंने जो विश्वास उन पे कर रहे थे और जो शिक्षाएं प्रभु ने कही वो यही थी। सुपारी उपदेश में प्रभु यही चाहते थे कि लोग भारी रीति से परमेश्वर के प्रति जो है धार्मिकता के ढोंग कर रहे थे, लेकिन हृदय कहीं और था, सोच कहीं और थी, विचार कहीं और थे, दिख अच्छे रहे थे, आंखें, कान, हाथ, पांव, कपड़े, बाहरी रीति से सब कुछ अच्छा था, लेकिन बिगाड़ था तो अंदरूनी रीति से। और प्रभु यही चाहते। सो जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने पहली चीज कही, जो प्रचार था वो मन फिराव का प्रचार, मन फिराव, मन फिराव, मन फिराव। परमेश्वर के प्रति जो ईमानदारी है वो कहां से आए? अंदर से आए। प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने यही कहा कि मन फिराओ, मन फिराओ, अंदर से परमेश्वर के प्रति ईमानदार, अंदर से। अब बाहरी रीति से तो कोई जानता नहीं था, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचता, मनों को पढ़ लेता। सो प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, आंतरिक रीति से जो है ईमानदार, और यहां परिपूर्णता आनी चाहिए। और यही चीज उन्होंने चेलों से कही कि किसी भी घर में जाओ, किसी शहर में जाओ, कहो मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। और चेलों ने यह बात आने वाली पीढ़ियों को दी, और आज तक यही गुरु। दो प्रकार के व्यक्ति, एक तो जो बाहरी रीति से और एक जो आंतरिक रीति से। और प्रभु चाहता है कि न सिर्फ बाहरी रीति से और आंतरिक रीति से भी हम जो है मैच्योर हों। और इसीलिए प्रभु ने कहा, व्यभिचार, तुम सोचते हो कि बाहरी रीति से नहीं, लेकिन यदि सोच में, आपके थॉट में, विचारों में भी यदि आपने गलत विचार रखे, तो आप आंतरिक रीति से व्यभिचार कर चुके। जब तू प्रार्थना करे बाहरी रीति से नहीं ढोंग कर, अंदर जा, कोठरी बंद कर, किसी को मत दिखा, परमेश्वर को दिखा। दान करे ढिंढोरा मत पीटो, उपवास करे परमेश्वर को दिखा। सो आपके थॉट्स, आपके विचार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें मैच्योरिटी आए, इसमें मैच्योरिटी आए। मैं आपके लिए जो हिस्सा है वो मत्ती रचित सुसमाचार का जो है पांचवा अध्याय और पद 27 से कुछ हिस्सा पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार पांचवा अध्याय 27 आयत से, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि वे विचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। शारीरिक रीति से व्यभिचार करना तो दूर की बात, मन में ही यदि बुरा सोचा तो व्यभिचार कहां कर लिया? मन में कर लिया, मन में कर लिया। और परमेश्वर के यहां ये व्यभिचार है, शरीर से नहीं हुआ, लेकिन कहां से हुआ? आंतरिक रीति से हुआ। इसलिए आपके विचारों को जो है प्रभु की ओर केंद्रित करें।
अंदरूनी रीति से परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने, और इसके लिए किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। हमारा प्रभु स्वयं जो है अपने विचारों में जो है पवित्र है, सिद्ध है, और वो यही सिद्धता विश्वासियों में भी चाहता है। सो आए अपने अध्ययन पे आगे। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में न सिर्फ बाहरी अंगों का वरन आत्मिक और आंतरिक अंगों का, इनर ह्यूमंस जो है वहां पर भी मैच्योर या मैच्योरिटी चाहिए। और प्रभु का वचन जो है, इसीलिए दाऊद बोलता है कि वह मेरे विचारों को दूरी से पढ़ लेता, असंख्य विचार आते हैं लेकिन वे प्रभु के सामने बेपरवाह। सो हमें ईमानदार और पवित्र और सिद्ध न सिर्फ बाहरी रीति से जो लेकिन आंतरिक रीति से भी जो है प्रभु चाहता है। और प्रभु कहता है कि मनुष्य का देखना बाहरी रीति से होता है लेकिन परमेश्वर आंतरिक रीति से देखता है, और जो है प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभु करुणामय है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जैसा मत्ती 5:28 में हमने देखा कि जो बाहरी रीति से वे विचार, वो नहीं जो बाहरी रीति से, अभी तक तो यही मान्यता थी लेकिन मन में भी बुरा सोचा, कुदृष्टि डाली, तो उसके साथ मन में वे विचार कर चुके। और बाहरी रीति से नहीं लेकिन बुरे विचार, सेक्सुअल इमोरलिटी, चोरी, हत्या, व्यभिचार, लालच, दुष्टपन, छल, कपट और अन्य अन्य जो है लालसाएं, अभिलाषाएं, घमंड, मूर्खताएं, ये सब अंदर से आती है और ये तुम्हें जो है दुष्ट बनाती है और ये तुम्हें परमेश्वर से दूर करती है। सो इन विचारों से जो है भागे। और भजनकार 19वें भजन में कहता है कि मेरे मुंह के वचन और हृदय का ध्यान हे परमेश्वर तुझे भाए। और जो है प्रभु मेरी आराधना ग्रहण योग्य, तू मेरे मन के विचारों को जानता है और तूने परख कर मुझे जाना है कि मैं तेरे प्रति कैसा हूं। और परमेश्वर से जो है मांगे कि वो आपके विचारों में भी शुद्धता जो है लेकर के आए। और विचारों में न सिर्फ सही विचार, सत्य विचार, आदर योग्य विचार और सबको जो ग्रहण योग्य हो सके, अपने दिमाग में इन विचारों को भर ले, पृथ्वी की नहीं वरन स्वर्ग की बातों को जो है अपने जीवन में आने दे, स्वर्ग की बातों को अपने जीवन में आने दे। और जो है पहला इतिहास में 29वें अध्याय 17वीं आयत में कहा गया, मैं जानता हूं कि प्रभु हृदय को परखता है और जो उसकी ओर निष्कपट है उनसे वह
शुद्ध या प्रसन्न रहे। और जब समवेल दाऊद का चुनाव करने गया तो समवेल ने यिशे के सारे बच्चों को देखा, सारे बेटों को देखा, और वे हष्टपुष्ट थे, सेना के लायक थे। और यिशे ने इतना भी कष्ट नहीं समझा, उसको लगा सबसे छोटा क्या करेगा, तो उसको बुलाया ही नहीं। समवेल सबको देख चुका तो उसने बोला, आप कोई बचा है क्या? तो उसने बोला, हाँ एक और है जो भेड़ बकरियां चरा रहा हूं। बोले, जब तक वो नहीं आएगा हम खाना नहीं खाएंगे। ताबड़तोड़ में उसको भी बुलाएगा। और परमेश्वर ने कहा, ये है वो मनुष्य का देखना बाहरी रीति से, लेकिन परमेश्वर का देखना आंतरिक रीति से। और हे परमेश्वर, तेरे विचार मेरे लिए क्या ही बहुमूल्य और असंख्य। और परमेश्वर उनका ख्याल करता। सो न सिर्फ पुराने नियम, प्रभु यीशु मसीह नए नियम में भी मनुष्य के विचारों को जान ले। चेले आपस में बात कर रहे थे, प्रभु ने अपने मन में जान लिया कि वो ये बात कर रहे हैं कि हमने बड़ा कौन है। फिर चेले जो है उसे राजा बनाना चाहते, लेकिन लिखा है कि वो उनके मन के विचारों को जानता था, उनके मन के विचारों को जानता था, उससे कोई भी बात बेपरद नहीं। और जो है बाइबल बताती, प्रभु चाहता है कि प्रभु की परिपक्वता हमारे विचारों में जो कुछ उत्पन्न हुए वो प्रभु को महिमा देने वाले, वो दूसरों के लिए भला और दया का, नम्रता का, जो है धीरज का सबब बनने वाले। हम दूसरों के प्रति कैसे जो है विचारशील हो सकते हैं? सो पौलुस इस विषय में आगे इस बात को प्रभु के सहायता से बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जो आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर कर बच्चों के लिए, तो माता पिता के लिए भी ये कहा गया कि अपने बच्चों को जो है उत्तेजित मत करो। पत्नियों के लिए ये कहा गया कि वे पति का आदर करें, तो पति के लिए ये कहा गया कि अपनी पत्नियों का आदर करें। सो वाइस वर्सा, दोनों तरफ से जो है। और जब ऐसा होगा तो कलीसिया जो है आगे बढ़ पाएगी, मैच्योरिटी के आंतरिक जीवन में भी जो है हम जो है परमेश्वर के साथ अपने जो है संबंध को सही रख पाएंगे। अन्यथा हमारा बाहरी जीवन कुछ और रहेगा, हमारा आंतरिक जीवन कुछ और रहेगा। हम बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, हमें विचारों में भी जो है, हमारे शब्दों में भी जो है पवित्रता आनी है। और प्रभु चाहता है कि हम विचारों में, शब्दों में भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं। और यदि ऐसा होगा सो आगे क्या होगा? जैसे हमारा शरीर, उसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ मेल रखते हैं और एक दूसरे का विरोध नहीं करते, एक दूसरे के दुख और सुख दोनों में शामिल होते, वैसा ही पवित्र आत्मा के साथ हमारा ऐसा एकाव कि पवित्र आत्मा के विरोध में नहीं, पवित्र आत्मा के हाँ में हमारी हाँ हो, पवित्र आत्मा के ना में हमारी ना हो, और वही विचार हम में आए जो पवित्र आत्मा चाहता है। और
तब हम परमेश्वर की बातों को जो है पूरा कर पाएंगे, तब हम परमेश्वर के मन की इच्छाओं को जान पाएंगे और तब एक जिम्मेवार व्यक्ति भी होंगे कि परमेश्वर की इच्छाओं को कैसे पूरा करें, परमेश्वर के विचार हमारे विचार हो, परमेश्वर का सोच हमारा सोच हो, और ये हमें कोई बताएगा तो वो है पवित्र आत्मा। और परमेश्वर चाहता है कि वो पवित्र आत्मा जो है हम उसको डेवलप करें, और यदि हम जीवित हैं तो परमेश्वर, मरे तो भी परमेश्वर के लिए। और बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं, न सिर्फ बाहरी रीति से वरन आंतरिक रीति से भी जो है परमेश्वर के प्रति जो है ईमानदार है, हमें कोई देखने नहीं आ रहा, लेकिन हमारे मन के विचार में वही हो जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर को यहोशू ने कहा, इसलिए दृढ़ यहोवा तेरे अंदर है, वो तेरे साथ रहेगा, प्रभु जो है सुनने वाला प्रभु है, इसलिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वो आपकी प्रार्थनाओं को जो आपके मुंह से निकल भी ना पाई उनको भी सुन लेता है, जैसे उसने हन्ना की प्रार्थनाओं को सुना, मुंह तो उसका चलता था लेकिन आवाज नहीं, हिचकिया रो रहा था, यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुनी, दाऊद अपने आंसू बहाता था, प्रभु ने उसकी सुनी, क्योंकि प्रभु आंतरिक मन की बातों को जानता है। और जो है प्रभु ये चाहता है कि हमारे जीवन जो है प्रभु के अनुसार, प्रभु के अनुसार, न सिर्फ बाहरी रीति से परंतु आंतरिक रीति से, प्रभु हम सब की सहायता करे और अपने इस वचन पर आशीष दे। मुझे धन्यवाद देते हैं कि आप जो परिवर्तन लेके आते हैं वो न सिर्फ बाहरी रीति से वरन आंतरिक रीति से भी आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रति ईमानदार रहे। और जब आप स्वयं पृथ्वी के जीवन में थे, आपने स्वयं न सिर्फ इन बातों को पाला वरन इसकी शिक्षा भी दी। प्रभु हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, हमारे विचारों को, हमारी इच्छाओं को, हमारी चाहत को प्रभु क्रूस के नजदीक लेके आते हैं और चाहते हैं प्रभु कि विचारों में भी, हमारी चाहत में भी हम आपके प्रति ईमानदार और पवित्र बने रहें। इसमें आप हमें सिद्ध बनाए, सिद्धता की ओर आगे बढ़ाते रहें। और प्रभु ये दुआ आपके उन तमाम लोगों के लिए करते हैं जो आप में बढ़ना चाहते हैं, आप में सिद्ध होना चाहते हैं, क्योंकि आप स्वयं चाहते हैं कि आपके लोग सिद्ध बने जैसे आप सिद्ध हैं। और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and
and give you his peace.